जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस तरीके बहाली की मांग आप खुद करती, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो, ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी आप एक राज्य की सीएम है, दो फेज का चुनाव हो चुका है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, करीब करीब 80% से ज्यादा वोट पड़े। मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था, इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ, मैं गर्व करता था। दीदी यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रहे हो, यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। साथियों बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? तो दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों, बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का यह संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है, ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी 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 लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल, आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है, आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों,
यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल उत्तर बंगाल के साथ अन्याय हुआ। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल यहां जब सख्त रहा, महाबहनों के आंसू बहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही।